ये है आईडी 116 जो कि एक चाइनीज सस्ता सा स्मार्टवॉच है। मैंने इसे 450 रुपये में परचेस किया। इस वीडियो में आपको फ्रेंड बताऊंगा कि आप किस तरह से इसमें आप अपना कोई भी थीम डाल सकते हो, यानी कि आप कोई भी वॉलपेपर, आप जो भी वॉलपेपर पसंद करते हो आप इसको अपना डाल सकते हो इस पर। तो इसे कैसे करें, सो इसके लिए आपको फ्रेंड्स एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड आप दो बातें को अपने दिमाग में रख लें। एक तो सारी चाइनीज़ जो स्मार्ट वॉचेज़ या फिर ब्रांड जो होते हैं वो थीम सपोर्ट नहीं करते, और जो वॉचेज़ ये थीम सपोर्ट नहीं करते उसमें आपका डायल सेटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। ये फ्रेंड्स मैंने अपने पिछले वीडियो में भी देखा, डायल सेटिंग बहुत कोई बोलते नहीं आता है। तो फ्रेंड अगर आपके वॉच में या फिर बैंड में डायल सेटिंग नहीं आता है तो आप समझ लें कि आपका वॉच थीम सपोर्ट नहीं करता। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन में आपको 100+ थीम्स मिलेंगे जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो सेट, और उसके आगे मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपना वॉलपेपर या फिर कोई भी फ़ोटो कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। तो आपको करना यह कि सबसे पहले आप अपना वॉच को सिंक कर लें। समटाइम ये फ्रेंड प्रॉब्लम होता है कि आपका वॉच सिंक नहीं होता, उसके लिए आपको ऐप का फोर्स स्टॉप करके फिर से उसे रिस्टार्ट करिएगा तो वो आपका सिंक हो जाएगा। और जब आपका वॉच सिंक हो जाए तब आपको डायल सेटिंग्स में जाना है, और डायल सेटिंग जब आप जाओगे तो आपको इस तरह स्लाइड करना है, और यहाँ देखोगे आप बहुत सारे यहाँ पे आपको थीम्स मिलेंगे। और ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे अच्छे थीम्स होते हैं। मैंने खुद रेडमी स्मार्ट वॉच यूज़ किया है लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उससे ज़्यादा बेटर इसका रहता है। सो इसे सेट करने के लिए आपको एक थीम को चूज़ कर ले और इसे सेलेक्ट कर लें। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा ये डायल प्लेस करने के लिए, जो आप टाइम डायल जो है आपका वो आप जहाँ चाहें वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर ले। और फिर फाइनल में आपको सिंक्रोनाइज डायल बटन को प्रेस करना है, और इसके बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो कि आप वॉच में भी देख सकते हो। और अब सेट करते हैं वॉलपेपर। सो वॉलपेपर सेट करने के लिए आपको कोई भी थीम को चूज़ कर लेना है, और फिर आपको ऊपर पे ये बटन दिखेगा चेंज द डायल, आपको वो सेलेक्ट करना है। फिर आप अपना कोई भी वॉलपेपर चूज़ कर सकते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप उसे परमिशन दे देना। और फिर आपको ये आपका वॉलपेपर को क्रॉप कर लेना है जिस तरह से आप चाहते हो। और फिर सेलेक्ट कर लेने के बाद आप अपना डायल फिर से सेट कर सकते हो कि कहाँ पे आपका टाइम डायल रहेगा, और फिर आपको प्रेस करना है सिंक्रोनाइज डायल। और इस तरह से फ्रेंड आप अपने वॉच पे अपना कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको और भी ऐसे ऐसे वीडियो चाहिए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।